सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कैप्स टेक्निकल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं उबोन के SP826 स्पीकर की अनबॉक्सिंग। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। मैं हूं कपिल, आप देख रहे हैं कैप्स टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है उबोन SP826 स्पीकर का बॉक्स। यहाँ की तरफ आपको देखने को मिल जाता है उबोन का लोगो, इधर मिल जाता है स्लोगन इट्स ऑल अबाउट यू, इधर लिखा हुआ है ये मोबाइल स्पीकर, और यहाँ दे रखे हैं कि ये स्पीकर किस किस से कनेक्ट हो सकता है। आईपॉड से कनेक्ट हो सकता है, मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है, MP3 MP4 से हो सकता है और PC से हो सकता है। यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है SP826, यहाँ लिखा हुआ है 2 hours बैकअप, पर मैंने इसको चला के देखा तो 2 hours से ज़्यादा ही, करीबन आपको 3 घंटे का बैकअप इसमें मिल जाता है। तो यहाँ है इसकी स्पेसिफिकेशन, स्पीकर डायमेंशन एंड इम्पेडियंस 4 ohm का मिल जाता है, आउटपुट पावर 5 volts की मिल जाती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 90 hertz से 20 kHz तक मिल जाती है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर के लिए सही होती है, और काफ़ी लाउड है ये स्पीकर। कलर्स आपको मिल जाते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और वाइट। अभी फ़िलहाल अपने पास है वाइट कलर, और यहाँ दे रखा है थैंक्स फॉर बाइंग उबोन स्पीकर, आगे की तरफ दे रखे उबोन इट्स ऑल अबाउट यू। और इस स्पीकर को मैंने amazon.in से ख़रीदा है करीबन 205 रुपये का, और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके सीधा बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस उबोन के SP826 स्पीकर के बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि इस स्पीकर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही मैंने स्पीकर खोला, आपको मेन यूनिट देखने को मिल जाएगी, यानी कि मेन स्पीकर उबोन का SP826। इसको फिलहाल अभी अपन साइड में रख लेते हैं, और ये आपको मिल जाएगी ऑक्स केबल, जिसे आप अपने उबोन के इस स्पीकर को चार्ज पर लगा सकते हैं। यहाँ मिल जाएगी आपको उबोन की ब्रांडिंग। चलिए इन सबको साइड में रख लेते हैं और मेन यूनिट की तरफ नज़र डालते हैं। आपको ये मिल जाएगा उबोन का SP826 स्पीकर, आपको पीछे की तरफ मिल जाएगी उबोन की ब्रांडिंग जिसमें लिखा हुआ है उबोन, और नीचे देखने को मिल जाएगा उबोन का मॉडल नंबर SP826। और यहाँ की तरफ आपको ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है जहाँ से मेन स्पीकर की आवाज़ आती है। यहाँ आपको छोटे छोटे डॉट मिल जाएंगे जिससे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ आपको मिल जाएगा ऑन ऑफ बटन जिससे आप अपने स्पीकर को चालू या बंद कर सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा वॉल्यूम एडजस्टमेंट बटन जिससे आप इसकी वॉल्यूम को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ मिल जाएगा LED इंडिकेटर जिससे आप देख सकते हैं कि स्पीकर चालू हुआ कि नहीं। और यहाँ फाइनली आपको मिल जाएगी USB की पोर्ट जिससे आप अपने इस उबोन के स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको एक 3.5 mm की जैक जिससे आप अपने स्पीकर जिससे आप अपने मोबाइल या PC को कनेक्ट करके गाने या मूवी कुछ भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही था स्पीकर, और अब इसकी वॉल्यूम पे नज़र डाल लेते हैं कि अब इसमें आपको कितनी अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल जाती। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने अपने स्पीकर को चालू कर लिया है। चलिए अब इसकी वॉल्यूम की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि इसमें आपको कैसी वॉल्यूम देखने को मिल जाएगी। इसके लिए मैंने अपना एक फ़ोन ले लिया है जिससे मैं अब एक इसमें एक गाना चलाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि इसमें कितनी अच्छी आवाज़ आएगी। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर लिया 3.5 mm की जैक से, और अब मैंने गाने को ऑन कर दिया। दिल दबा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं दिल ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्पीकर की वॉल्यूम काफ़ी लाउड है और काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही है, और इसकी वॉल्यूम काफ़ी क्लियर भी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की उबोन SP826 स्पीकर की अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कैप्स टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।